आप सभी ने माइकल जॉर्डन का नाम तो सुना ही होगा। ये बास्केटबॉल के फेमस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपनी कठिन मेहनत के बलबूते पर यह सफलता प्राप्त की। आपको इनकी इस मोटिवेशनल स्टोरी से बहुत प्रेरणा मिलने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं। माइकल जॉर्डन का जन्म सन 1963 में ब्रुकलिन की झुग्गी झोपड़ियों में हुआ था। पिता मजदूरी करते थे। माइकल जॉर्डन का बचपन गरीबी और भेदभावपूर्ण वातावरण में गुजरा। सफल होने के लिए आपको स्वार्थी होना पड़ता है, वरना आप इसे कभी हासिल नहीं कर सकते। और एक बार जब आप अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं, तब आपको निःस्वार्थ होना पड़ता है। कभी ना नहीं कहे, सीमाएं भी डर की तरह महज एक भ्रम होती हैं। खेल में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन आप कभी भी अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं और आप अपने आप को प्रयास की कमी के कारण हरा नहीं सकते हैं। मेरे पिता कहते थे कि आपको कुछ भी करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि आप कभी नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं जब तक आप कोशिश नहीं करते। गुमनामी वाला रास्ता चुनना और नीरस जीवन जीना आसान है, लेकिन इंसान को कड़ी मेहनत करने के लिए, एक प्रभावशाली जीवन जीने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए एक ज्वलंत इच्छा की जरूरत होती है। कभी कभी चीजें आपके अनुरूप नहीं होती हैं, लेकिन प्रयास दिन रात होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ सबसे खराब से ही निकलता है। प्यार क्या है? हर खेल को ऐसे खेलना जैसे कि वो आपका आखिरी खेल हो, यही प्यार है। मैं बहुत बार असफल हुआ और इसीलिए मैं सफल हूँ। मैं कुछ हद तक सामान्य जीवन में बसना चाहता हूँ, कुछ हद तक। मुझे पता है कि यह पूरी तरह से सामान्य होने वाला नहीं है। खेल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए और जीतने के लिए हमेशा आपको कोशिश करते रहना चाहिए। अकेले टैलेंट के दम पर आप छोटी मोटी गेम जीत सकते हैं, लेकिन टीमवर्क और बुद्धिमानी से आप बड़ी बड़ी चैंपियनशिप को जीत सकते हैं। कई बार परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं होती, लेकिन आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। मेरी माँ मेरी जड़ है, मेरी नींव है। उसने वह बीज बोया जिसे मैं अपने जीवन का आधार बनाता हूँ, और यह विश्वास है कि हासिल करने की क्षमता आपके दिमाग में शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।